हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर कल के डेट में तो कोई वीडियो नहीं आ पाई और यहाँ पर 4 दिन की मार्केट में एक अच्छी खासी छुट्टी भी है। और अगर हम डोजोन्स की बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर बंद भी होता हुआ नजर आया है। ये ऊपर के लेवल पे 1.01% की यहाँ पर अच्छी खासी 344 पॉइंट्स की जंप भी थी। और बट अपने यहाँ जो बाजार थे वो फ्लैट यहाँ पर थे। तो जो मंडे को यहाँ पर मार्केट होने वाली है, क्योंकि कभी भी इस तरीके की जब लंबी छुट्टी आती है तो मोस्टली हमारे जो मार्केट होते हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई देते हैं। तो जब मार्केट ओपन होगी तो शायद यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर मोस्टली ये सब चीजें अच्छी खासी तरीके से भागती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है दोबारा। तो हम आज की डेट में एक पर्टिकुलर स्टॉक से बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्धमान टेक्सटाइल। इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर कल की डेट में ही पोजीशन बनाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। इसके बाद ये भागा भी था बट वहाँ से 4-5% भागने के बाद गिर भी गया था। नॉट नॉट एन इशू। तो इसमें पोजिशन बनाने के पीछे क्या रीजन है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका भी चैनल है इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि जब भी वीडियो डाले वीडियो को यहाँ पर आप लास्ट तक देखा करें और सीखा करें। जितना सीखेंगे थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर अपनी स्टडी में देंगे, अच्छा खासा पैसा अपन ऑटोमेटिकली कमाते हुए नजर आएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी ही आपको सबसे मेन करनी है। और ये वीडियो से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है लोगों को, मैंने बता दिया है। जब एक बार यहाँ पर इसके राइट इशू वगैरह आते हुए दिखाई देंगे, अगेन राइट इशू होते क्या है और कैसे अप्लाई करना है वो सब चीज मैं आपको बता दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं वर्धमान की। तो वर्धमान से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए 2017 में 15 रुपये, 18 में 15 रुपये, 19 में 17 रुपये, 21 में यहाँ पर 2 बार डिविडेंड दिया है 17.5 रुपये और 34 रुपये। तो जो कंपनी आपको लगातार अच्छे खासे डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके अलावा कंपनी बहुत पुरानी है तो 91 में बोनस दिया, 94 में, 2005 में, लगभग 15-16 साल पहले यहाँ पर बोनस देती हुई कंपनी नजर आई है। यहाँ पर बात कर रहे हैं स्प्लिट्स की, तो कंपनी एक बार 2022 में ही यहाँ पर स्प्लिट भी हुई है, मतलब यहाँ पर इनका शेयर था जो यहाँ पर डिवाइड किया गया है 1:5 में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है, स्प्लिट देती है, बोनस देती है, अच्छे खासे यहाँ पर सब चीज यहाँ पर नजर आती है। राइट इशू भी यहाँ पर कंपनी एक बार 93 में लेके आई थी। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट यहाँ पर इस शेयर की बात करें तो कंपनी वर्धमान, आपने नाम सुना ही होगा, अगर आप कभी आपने आपकी मम्मी ने यहाँ पर स्वेटर आगे वगैरह सिले होंगे तो, और मोस्टली जो ऊन है यहाँ पर यूज की जाती थी, वर्धमान की जाती थी, क्योंकि बचपन में हमारी मम्मी जब सिलती थी तो वर्धमान का ही यहाँ पर ब्रांड यूज किया जाता था, क्योंकि वर्धमान एक मार्केट में आप जाएंगे पॉपुलर ब्रांड यहाँ पर नजर आता है। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ यार्न, देखिए यार्न में, फैब्रिक में, एक्राइल फाइबर एंड गारमेंट्स में कंपनी काम करती नजर आती है। अगर बात करें ओवर द ईयर डेवलप एज अ बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट विद अ प्रेजेंस इन इंडिया एंड इन 75 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया में तो है ही है, इसके अलावा 75 कंट्रीज में यहाँ पर वर्ल्ड में यहाँ पर काम करती दिखाई देती है। कंपनी की बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें यार्न है, जिसमें स्पेशलिटी यार्न, डाइड यार्न, या अलग अलग तरीके की यार्न यहाँ पर दिखाई देती है। ये सारी की सारी यार्न में कंपनी काम करती है फॉर बोथ टॉप्स एंड द बॉटम इन द अपेरल्स सेगमेंट, कैटरिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स इन द यूएसए, यूरोप एंड एशिया अमॉन्ग अदर्स। तो अगर हम बात करें काफी अलग अलग कॉन्टिनेंटल में ये कंपनी काम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर कैटरिंग करते हुए नजर आते हैं, वो भी दो तरीके के सेगमेंट में, एक टॉप और एक बॉटम यहाँ पर। इसके अलावा रेवेन्यू यार्न से 59, फैब्रिक से 37, एक्राइल फाइबर से 4% की इनकी रेवेन्यू आती है। इंडिया से 61% की यहाँ पर इनकी ये जोग्राफिकल स्प्लिट की बात कर रेवेन्यू आते हुए दिखाई देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं लगभग यहाँ पर 39% के आसपास। इस और क्लाइंट की बात करें तो जितने भी गैप आपने सुना होगा, ब्रांड है बैटरी, H&M, वॉलमार्ट, कैविन क्लेन और टॉमी हिलफिगर एंड सो ऑन। वर्धमान इज द प्रेजेंट इन 58 कंट्रीज में आप प्रेजेंट है और जितने ही बड़े बड़े ब्रांड है और बहुत सारे ब्रांड इनके यहाँ पर क्लाइंट है। तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हुए नजर आते हैं, इनकी मैनुफैक्चरिंग यूनिट सब चीज से रिलेटेड, यहाँ पर कैपेक्स से रिलेटेड कंपनी देखी है। यहाँ पर कैपेक्स ऑफ 1400 करोड़ फॉर द यार एंड फैब्रिक बिजनेस बाई 2020 तक यहाँ पर इन्होंने प्लान किया था, मतलब पूरा कंप्लीट किया होगा, पुराना ही दे रखा है। इन्वॉल्व इन द एडिंग अप टू 1 लाख स्पेंडर्स ऑन द यार्न साइड एंड सेटिंग अप थर्ड प्रोसेसिंग लाइन एट
बुधनी N275 ब्लूम्स ऑन द फैब्रिक साइड यहाँ पर ये अपने प्लांट भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पर काफी बेहतरीन है, इस कंपनी की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, वर्धमान के प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज होते ही है, जो यार्न ये बनाते हैं मोस्टली वो यहाँ पर यूज होते हुए नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट पर इनके मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का है। पी की बात करें आर्ट और इंडस्ट्री का पी 12, तो कहीं ना कहीं सस्ता ये शेयर दिखाई देता है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है। डेट की बात करें कंपनी का 24% के आसपास का डेट, और 576 से शेयर यहाँ पर करेक्ट होकर 448 के आसपास यहाँ पर शेयर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यूज की 380 के आसपास है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे और एक बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, बट बीच बीच में इस तरीके के यहाँ पर इसमें हर्डल्स आते रहते हैं, तो इन हर्डल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जब गिरावट होती है तो यहाँ पर गिरावट कुछ टाइम के लिए यहाँ पर होती हुई नजर आती है और उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखी जाती जाती है। इसके अलावा शोर आ रहा होगा, प्लीज उस शोर को यहाँ पर नेगलेक्ट करिएगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो एक कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे एक अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे थे, बट यहाँ पर पैंडमिक आया, पैंडमिक की वजह से यहाँ पर इनके रिजल्ट में बैंड बस्ती हुई नजर आई, और फिर उसके बाद अभी देखेंगे तो लगभग हाईएस्ट एवर दिसंबर में 2603 करोड़ की यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे 24% है, जो कि इनके 16% के मुकाबले 24%, जो कि काफी अच्छा दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 429 करोड़ रुपए का है, जो पिछले क्वार्टर में तो यहाँ इसके हिसाब से तो कम है, बट ईयरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर जंप देखी गई है। ईपीएस भी अच्छा खासा है यहाँ पर इनका, लगभग दुगने से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इस बार के जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ 243 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, तो कहीं ना कहीं ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे खासे आ सकते हैं और शायद क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर आ सकते हैं। बट यहाँ पर कैपेक्स ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासे नंबर आते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के ईयरली बेसिस पे बात करें पिछले 10 से 11 साल के परफॉर्मेंस की, तो लगातार जंप देखी गई और पिछले यहाँ पर 12 महीने में 8,862 करोड़ रुपए की हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग देखिए हाईएस्ट एवर 1468 करोड़ रुपए का पिछले 12 महीने में यहाँ पर सेल्स देखी गई है। इसी वजह से ये यहाँ पर शेयर अच्छा खासे तरीके से भागता हुआ नजर भी आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें 7120 करोड़ के रिजर्व्स है, और बोरिंग इनकी लगातार कम हुई है और केवल 1713 करोड़ की बोरिंग रही है, और अभी जब नया डेटा आता हुआ दिखाई देगा तब ये सारी चीजें यहाँ पर एड ऑन होती हुई दिखाई देगी। वर्किंग प्रोग्रेस में 198 करोड़, इन्वेस्टमेंट लगभग 2258 करोड़ का, और कैश की बात करें तो 105 करोड़ रुपए के आसपास का कैश भी है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, 63.15% की होल्डिंग है, जो कि एक बेहतरीन होल्डिंग है। बट इस पर्टिकुलर लास्ट क्वार्टर में यहाँ बात करें तो FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, DIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई थी जो FIs ने खरीद ली थी, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास हिस्सेदारी 11.71% की है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बढ़ रही है बट इतनी नहीं बढ़ रही है, तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। अब इसे लेने के पीछे क्या रीजन था कि जहाँ पर सारे के सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स, सारे के सारे यहाँ पर अपैरल से रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे थे, तो ये एक स्टॉक था जो यहाँ पर काफी टाइम से, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं पूरे अप्रैल से लेकर अप्रैल में इसने केवल कंसोलिडेशन किया है, और जो गिरावट होनी थी, जो यहाँ पर मार्केट गिरनी थी, वो ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुकी है। तो मार्केट तो गिर चुकी है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स यहाँ पर अब भागता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज बना दी है। रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई देता है, और वो भी कितना, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 435 रुपये, अभी 437 लास्ट यहाँ पर, हाँ 435 रुपए के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। और अपसाइड की बात करें तो ये यहाँ अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो 26-27% के रिटर्न आपको इजीली बनते हुए नजर आते हैं। और ये जो ये शेयर है, ओके, यहाँ पर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसी तरीके का पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, गिरावट होनी थी वो हो चुकी है, अभी रिजल्ट से पहले शायद ये आपको इतने मतलब 548 550 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर 26 तो नहीं, लगभग 20% के रिटर्न तो इजीली बनते हुए मुझे एक महीने के अंदर अंदर नजर आ रहे हैं, और कभी भी ये शेयर यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से भाग सकता है। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। RSI भी बता रही है कि यहाँ पर लेना चाहिए, कल के जो वॉल्यूम आए थे वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरीके की कैंडल बनती है बेचते हैं, बट ये डाउन ट्रेंड में है चीजें, ओके, तो डाउन ट्रेंड में ये अप ट्रेंड में ये चीज बनती तो यहाँ पर बेच देते हैं, बट यहाँ पर अप ट्रेंड में यहाँ पर ये साइडवेज में है और नीचे ऑलरेडी गिर चुकी है, तो यहाँ पर केवल ऊपर जाने का ऑप्शन है, नीचे जाने का ऑप्शन बड़ा ही कम है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।